जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया जता रही है कि वे इस बात से खफा हो उठे जब देवरिया कांड के पीड़ित सत्यप्रकाश दुबे के जीवित बचे बेटे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव की ये नाराजगी उनके बेटे देवेश दुबे से मिलने को लेकर नहीं थी, बल्कि वे नाराज इस संदेह में दिखाई दिए कि उनके ना मिलने की एक बड़ी वजह किसी दूसरी पार्टी के नेता हो सकते हैं। अखिलेश यादव का इशारा बीजेपी की ओर था, जिसका नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो मिलना चाहता हो, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर ना मिलने के लिए उकसाया हो ताकि मेरा अपमान किया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिले गए दुबे परिवार से, मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं थे, इसको क्या मानेंगे? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई, तो और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है। एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों निकला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार? मैं आर्थिक सरकार इस परिवार की भी, और अगर वो उस परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर चर्चाएं गर्म होने लगी थी कि इसे ब्राह्मण वर्सेस यादव का रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं। इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा था जब पिछले दिनों सत्यप्रकाश दुबे परिवार के लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें देवरिया के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक शलभमणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, विधायक जयप्रकाश निषाद और पूर्व विधायक सुरेश तिवारी शामिल हुए थे। उस श्रद्धांजलि सभा में ही बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा था कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरी हजारों जांच करा लो। इस प्रदेश की जनता ने तुम्हारा गुंडाराज देखा है, तुम्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। भगवान हनुमान जी भी साक्षी हैं, यहां की महान जनता भी साक्षी है। अगले 10 साल तक तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी का इशारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर था। समाजवादी पार्टी पर इस तरह का प्रहार करते हुए बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने उस समय कहा था कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर पहले कोई मामला दर्ज नहीं रहा है, जबकि उनके परिवार को खत्म करने वालों की थानों में हिस्ट्री शीट मिलेगी। वहीं अब जबकि सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया, तो इस बात को और हवा मिली कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का हाथ हो सकता है। हालांकि तमाम बातें फिलहाल चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।